पर क्या काम है इनके, किस तरह का 21 साल किस तरह से क्या ये लो मैं आप सभी लोगों को भारतीय स्थापना दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस बार हम लोगों ने तय किया है कि राज्य स्थापना दिवस पूरे भाई एक यार मोबाइल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ग्राम सभा स्तर तक के लोग इस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस स्थापना दिवस में सम्मिलित हों, कहीं ना कहीं उनका भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो, यहाँ के चलने से प्रयास किए। और साथ में हमने उत्तराखंड गौरव ऐसा करके एक नाम से 5 जो विशिष्ट क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्य किए हैं उन सभी को हम सम्मानित करने का इस वर्ष से उसका एक नया काम शुरू कर रहे हैं। और साथ ही 21 वर्षों में लगातार जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था जब वो प्रधानमंत्री थे, 21 वर्षों की यात्रा लगातार मैं कहूँगा कि जो समस्याएँ जिस प्रकार का परिवेश उत्तर प्रदेश के समय में होता था, क्योंकि वो बड़ी इकाई थी और बड़ी इकाई के रूप में इन क्षेत्रों में बहुत सारी जगह पर जो सीधे देख रहे हैं उनका सभी आज सड़कों के क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, ऊर्जा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया काम काफ़ी तेजी से। अभी बहुत सारे काम हमको आगे करने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी केदारनाथ में उत्तराखंड के लिए जो एक दशक ये 20 से 30 का दशक उन्होंने कहा है कि ये उत्तराखंड का दशक होगा जिसमें कि पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया उत्तराखंड की तरफ देखेगी, तो उसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। और साथ ही साथ हम 2025 में जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा तो 25 वर्ष का राज्य जिस पर हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे उस समय हिंदुस्तान का हम आदर्श राज्य बने, हमारा राज्य आदर्श क्षेत्र बने, आदर्श स्थिति में आए, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से अपने प्राणों प्राण से काम कर रहे हैं। पूरी सरकार काम कर रही है, हमारे सभी संगठन के लोग काम कर रहे हैं। और जो मोदी जी ने यहाँ के लिए विजन देखा है कि यहाँ के युवा, यहाँ का युवा प्रदेश सब मिलकर इसको एक आदर्श स्थिति में पहुँचाएंगे, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर अगले 10 सालों की